हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको आनापान सति मेडिटेशन कराने जा रही हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम जानते हैं कि आनापान सति है क्या, ठीक है, इसे कैसे करते हैं और इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, आना का मतलब होता है आती हुई सांस और पाना का मतलब होता है जाती हुई सांस। सति का मतलब होता है सांसों के साथ घुल मिल जाना। यह बहुत ही सरल ध्यान है दोस्तों, जिसमें हम अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों पर फोकस करते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध के द्वारा यह मेडिटेशन पूरे विश्व में फैलाया गया है। इस मेडिटेशन से आप में पॉजिटिविटी आती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका ध्यान एक जगह टिकता है और आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, ठीक रहता है। दोस्तों, इसे हम कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही सरल ध्यान है। हाथ और पैरों को क्रॉस करके रखना है, जैसे कि भगवान पालथी मारकर अपने पैरों को बैठना है और अपने हाथों की दोनों उंगलियों को क्रॉस करके अपने पालथी के ऊपर रखना है, जहाँ पे हमने पालथी मारा है, ठीक है। जैसे आपने बुद्ध भगवान को देखा होगा मेडिटेशन मुद्रा में बैठे हुए, वैसे ही आपको बैठना है, ठीक है। और आंखें बंद रखना है। जब ध्यान में बैठोगे तो हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर पैरों को भी क्रॉस करके रखना है, ठीक है। पालथी मारकर बैठना है और ध्यान के दौरान आंखों को क्लोज रखना है। दोस्तों, आंखों को हम जब क्लोज रखते हैं ना, और जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो उस समय सारी विश्व की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, कॉस्मिक ऊर्जा होती है, वो हमारे अंदर आने लगती है। और उस समय हमें आंखें नहीं खोलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं तो उससे हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो 80% बाहर की ओर जाती है, ठीक है। जब पैरों को जब क्रॉस किया हुआ रहता है, उसको हिलाते डुलाते हैं या फिर उसको खोलते हैं अपने पैरों को, तो उस पैरों से 10% और फिर हाथों से 10% यह एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। तो आपको हमेशा अच्छे से पालथी मारकर बैठना है, ठीक है। इसे आप कुर्सी पर, टेबल पर बैठकर भी कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसको बैठकर कर सकते हो, लेकिन इसे बैठकर ही करना है। तो दोस्तों, हमें ध्यान कितना करना चाहिए, हम ये जानते हैं। दोस्तों, हमारी जितनी उम्र होती है ना, उतना ही हमें ध्यान करना चाहिए। यदि आपकी उम्र 20 साल है तो आपको 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 है तो आपको 30 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आप तो जिसकी जितनी एज होती है उसको उतना ही मिनट ध्यान करना चाहिए। उसे भी ज़्यादा कर सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा टाइम है वो उसे भी ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो बिगनर्स होते हैं वो मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, शुरुआत में मेडिटेशन करना आसान नहीं है, तो इसलिए आप 15 से 20 मिनट से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। दोस्तों, हमारे माइंड में ना तरह तरह के विचार आते हैं, जिससे हमारा मन बहुत डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे विचार जो हैं वो स्थिर होने लगते हैं, हमारा जो मंकी माइंड होता है वो शांत होने लगता है और हम ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम अपने बॉडी को साफ रखने के लिए रोज़ नहाते हैं, उसी तरह अपनी सोल को प्योर करने के लिए, क्लीन करने के लिए इसका माध्यम है ध्यान, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हम जिस शरीर को स्वस्थ रखने, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हम उसे नहाते हैं, क्लीन करते हैं वाटर से, सोप से, वैसे ही सोल को क्लीन करने के लिए, सोल को प्योर रखने के लिए ध्यान उसका माध्यम है। तो हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ध्यान। इसके लिए आप अपनी आँखों, आप पालथी मार कर आराम से बैठ जाइए,
लेकिन हाँ, ध्यान करने से पहले आपको एक अच्छी जगह का चुनाव करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको कोई कोई कुछ मिनट्स के लिए, 15 से 20 मिनट्स के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो आप ध्यान किसी भी चीज़ पर कर सकते हो, अगर आपके पास कोई मैट है तो मैट पर बैठ के कर सकते हो, कोई सूती चादर है उसको बिछा कर आप कर सकते हो तो आप उसे बिछा लो, कोई दरी है तो दरी को बिछा कर कर सकते हो तो आप उसे बिछा लो, उसके ऊपर आप बैठ जाओ, पालथी मारकर अपने पैरों क्रॉस करके, हाथों क्रॉस करके, अपनी गोद के ऊपर हाथों को रख लीजिए, ओके। और अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कीजिए, ज़्यादा भी सीधा नहीं करना है, थोड़ा सीधा कीजिए, ओके। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कीजिए, ठीक है। आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए, ठीक है। शरीर में अगर कहीं भी आपको खिंचाव महसूस हो रहा है तो उसे धीरे धीरे ढीला करें, अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। दोस्तों, हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है आनापान सति, यह बुद्ध द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो कुछ देर के लिए पूरी दुनिया को भूल जाइए, बाहर की दुनिया को भूल जाइए, कुछ देर के लिए अपनी बाहर की दुनिया क्लोज कर दीजिए और अपनी अंदर की दुनिया में ध्यान में आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपनी अंदर की दुनिया, अपने अपने मन के अंदर ध्यान लगाइए। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी सांसों पर फोकस कीजिए, आपकी सांसें आ रही हैं, आपकी सांसें जा रही हैं, फिर सांसें आ रही हैं, फिर सांसें जा रही हैं। खुद को अलाउ कीजिए दोस्तों, खुद को अलाउ कीजिए दोस्तों। ये जो म्यूजिक चल रहा है इस पर आप ध्यान लगाइए, ठीक है, अपने माइंड को और अपनी अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। जो सांसें आपकी आ रही हैं, आपकी जा रही हैं, आपको फोर्सफुली सांस नहीं लेना है, सांस जैसे आ रही है सिंपली वैसे आने दीजिए, जैसे जा रही हैं वैसे जाने दीजिए, बस अपनी सांसों पे सिंपली फोकस रखिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, तो दोस्तों अपनी सांसों पे फोकस करते जाइए, आँखों को क्लोज रखिए और लंबी गहरी सांसें देखिए कि आपकी कौन कैसी सांसें जा रही हैं, लंबी गहरी धीमी, गर्म सांसें हैं, ठंडी सांसें हैं, कैसी सांसें हैं आप फील कीजिए, सांसों पे फोकस कीजिए दोस्तों। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। सांसों पे फोकस कीजिए दोस्तों, सांसें कैसे चल रही हैं। दोस्तों, लाइफ में हम कहीं भी अटक जाते हैं, लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हमारा मन ख़राब हो जाता है, हम उस स्थिति में, उस परिस्थिति में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, हमारा ध्यान एक जगह नहीं टिक पाता है, कभी हम प्रेजेंट में सोचते हैं, कभी हम पास्ट में सोचते हैं, कभी हम फ्यूचर में सोचते हैं, लेकिन प्रेजेंट में हम बहुत कम ही रहते हैं दोस्तों। पास्ट और फ्यूचर की जो चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, वो हमारे मन को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, इससे हमारा मन क्या होता है, कमज़ोर होता है दोस्तों। निगेटिविटी हमारे मन में बहुत जल्दी आने लगती है, क्योंकि जिस चीज़ को हम सोचते हैं उस चीज़ को हम फील करते हैं, और फीलिंग जनरेट होती है, वो चीज़ें हमारी लाइफ में रियलिटी रियल होके आने लगती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्यों ना कुछ देर सारी चीज़ों पर से ध्यान हटाकर आपके जितने भी काम हैं,
उन सारी चीज़ों पर से ध्यान हटाकर थोड़ी देर के लिए आप ध्यान कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे आपकी सांसें आ रही हैं। सांसों से ही हमारा जीवन है दोस्तों। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हमारा जीवन भी चल रहा है। जिस दिन हमारी सांसें ख़त्म उस दिन हमारा जीवन भी ख़त्म। तो अपने सांसों के साथ एक हो जाइए दोस्तों, सांसों पे फोकस कीजिए। अगर मन में बहुत कुछ बातें आ रही हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो घबराएं नहीं, उन विचारों में ना उलझें, उन विचारों को देखते जाएं, बस अपने मन को देखते जाएं, अपनी सांसों पर फोकस करते जाएं। कैसी आपकी सांसें चल रही हैं, बस सांसों को देखते जाएं, अपने मन से सांसों पर फोकस कीजिए दोस्तों। बहुत सारी विचार आएंगे आपके मन में, उन विचारों पर ध्यान ना दीजिए दोस्तों, उन विचारों पर ध्यान ना दीजिए। अपनी ब्रीथ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अपने ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। आपका मन धीरे धीरे लगने लगेगा दोस्तों, आपका मन धीरे धीरे लगने लगेगा दोस्तों। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, बस विचारों को देखिए। अपनी सांसों के साथ एक होने का कोशिश कीजिए दोस्तों। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। कितनी लंबी गहरी सांसें आपकी आ रही हैं, कितनी लंबी गहरी सांसें आपकी जा रही हैं। अपनी सांसों पे फोकस कीजिए दोस्तों, एक हो जाइए अपनी सांसों के साथ। बहुत सारे विचार आ रहे होंगे आपके मन में, इन विचारों को बस दृष्टा बनकर देखते जाइए। आँखों को बंद रखिए दोस्तों, शरीर को ढीला छोड़िए दोस्तों। आँखों को बंद रखिए दोस्तों, शरीर को ढीला छोड़िए दोस्तों, रिलैक्स रहिए दोस्तों। अपनी ब्रीथ पे फोकस कीजिए दोस्तों, आप सब लोग डिवाइन सोल्स हो। रिलैक्स होकर अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए दोस्तों। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। फोकस इन योर ब्रीथ दोस्तों, ये इन सांसों से ही हमारा जीवन है। जब तक ये सांसें हैं तब तक हमारा जीवन है दोस्तों। फोकस इन योर ब्रीथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ। मन को इधर उधर मत भटकाइए मेरे दोस्तों, मन को इधर उधर मत भटकाइए, अपने मन को।
अपने मन को शांत रखिए दोस्तों, अपने ब्रीथ पे फोकस कीजिए दोस्तों। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सिर्फ आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है दोस्तों। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है, अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए दोस्तों, अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। फोकस इन योर ब्रीथ दोस्तों। आपका ध्यान लग रहा है, आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। इसी तरह से बने रहिए, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, सांसों पर फोकस कीजिए दोस्तों। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स के पीछे मत भागिए दोस्तों, उनको बस देखिए और वापस अपने ध्यान पर वापस आइए। अगर आपका मन भटक रहा है, आपका ध्यान भटक रहा है, तो वापस अपने फोकस अपने सांसों पर कीजिए दोस्तों, अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए दोस्तों। फोकस इन योर ब्रीथ दोस्तों, फोकस इन योर ब्रीथ। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। अगर विचारों में खो गए तो आपका ध्यान नहीं हो पाएगा दोस्तों। अगर विचारों में आप जा रहे हैं तो वापस अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए दोस्तों। अवेयर रहिए दोस्तों, अवेयर रहिए, अपनी सांसों के साथ बने रहिए दोस्तों।
फोकस इन योर ब्रीथ दोस्तों, अपनी सांसों पे फोकस रखिए। फोकस इन योर ब्रीथ दोस्तों, अपनी सांसों पर ध्यान रखिए दोस्तों। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं दोस्तों। अपनी सांसों पर फोकस कीजिए बस अब कुछ मिनट्स दोस्तों। अपनी सांसों पर फोकस कीजिए दोस्तों। सांसों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। फोकस इन योर ब्रीथ दोस्तों। सांसें ही हमारे जीने का जरिया है दोस्तों। जिस दिन हमारी सांसें ख़त्म उस दिन हम भी ख़त्म दोस्तों। सबसे ज़्यादा सरल ध्यान अगर करना है तो आनापान सती ध्यान है जो सबसे सरल है। इसमें सिर्फ अपने ब्रीथ पर ध्यान देना है। तो फोकस इन योर ब्रीथ दोस्तों। फोकस इन योर ब्रीथ बस 1 मिनट दोस्तों। बने रहिए दोस्तों, सांसों के साथ बने रहिए। अब अपने दोनों हाथों को खोलिए और उन दोनों हाथों को रब कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए दोस्तों। दोनों हाथों को रगड़िए और उसे अपने आँखों पर रखिए। दोनों आँखों को ढकिए अपने हाथों से और अपने एंजल्स का शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू एंजल्स, आप जिससे भी प्यार करते हो, आप जिस भी गॉड को मानते हो उसको थैंक यू बोलिए आज आपका ध्यान कराने के लिए, आज आपको आपसे मिलाने के लिए, आज आपको आपसे खुद से जोड़ने के लिए। उनका ध्यान कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए दोस्तों। थैंक यू यूनिवर्स कहिए दोस्तों। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू बुद्ध भगवान। जिस किसी को भी आप मानते हैं उनको थैंक यू बोलिए और अपनी आँखों को खोलिए दोस्तों। आपका ध्यान सफल हुआ। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। आज का ध्यान सफल हुआ दोस्तों। अपनी आँखों को खोल लीजिए और अपनी दुनिया में वापस लौट आइए दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको ध्यान कराऊंगी आने वाले समय में। मैं 21 डेज का आनापान सती ध्यान रख रही हूँ। जिस ध्यान को मैंने सीखा है मैं इसे 5 मंथ से सीख रही हूँ। तो अब मैं आप लोगों को सिखाने का सोची, तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए दोस्तों। आने वाले समय में मेरे सारे वीडियोज अपलोड होंगे, आप उन्हें देखिए, मेडिटेशन कीजिए, आओ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन लोगों तक भी हमारे वीडियोज पहुंच सके और उन लोगों तक भी आनापान सती का ध्यान पहुंच सके जो अपनी लाइफ में अपनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी प्रकाश हो, उनकी लाइफ में भी ध्यान हो, साधना हो और उनका लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल बन सके। थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों।